नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। आजमगढ़ में अखिलेश बनाम निरहुआ की लड़ाई तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव मैदान में हैं, वहीं उनके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के निरहुआ दिनेश लाल यादव चुनाव मैदान में हैं। इस बीच रमाकांत यादव के कांग्रेस में शामिल होने के बाद वहां का गणित गड़बड़ा सा गया है। रमाकांत यादव ने कांग्रेस में शामिल होने के बाद अखिलेश यादव के पक्ष में समर्थकों द्वारा वोट देने की अपील की गई है, जिसके बाद निरहुआ के समीकरण को गड़बड़ाते देखा जा रहा है। आपको बता दें, रमाकांत यादव भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सांसद बने और उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने निरहुआ को अपना प्रत्याशी बनाया है। लेकिन रमाकांत के इस बयान के बाद अखिलेश यादव के खेमे में जहां खुशी है, वहीं निरहुआ के खेमे में खलबली सी मची हुई है। आने वाले लोकसभा के चुनाव में देखना दिलचस्प होगा कि क्या निरहुआ को इसका घाटा होता है और अखिलेश को इसका फायदा। आप सुने रमाकांत यादव ने क्या कहा। चाय पानी कराएंगे और फिर उसको प्रणाम करेंगे और जाएगा अपना काम करेगा। आज पार्टी इन लोगों ने समर्थन दिया है, उसी तरीके से हमारी पार्टी ने समर्थन दिया है, तो हमारे जो लोग भी होंगे निश्चित रूप से पार्टी के समर्थन के तहत समाजवादी पार्टी को वोट करने का काम करेंगे। पार्टी अगर आपसे कहती है तो आप अखिलेश यादव के प्रचार के लिए निकलेंगे? मैंने कहा पार्टी जो आदेश करे वो करूंगा, पार्टी का आदेश सर्वोपरि होगा। ऐसे में जब अखिलेश यादव मजबूत हैं, आप भी अगर मजबूती से जुड़ जाएंगे, तो क्या आपको लग रहा है कि जमानत बच पाए? अभी तो यहाँ की जनता से पूछिए, एक नाचने वाला होगा कि एक जो है नेता होगा, कौन होगा तो जनता बताएगी। लेकिन उसी नाचने वाले को तो अखिलेश जी ने स्वाभाविक दिया था। ओहो, वो तो स्वाभाविक है, उनका कर्तव्य था, दिए थे। मैं भी एक बार उसके फंक्शन में गया था, 100 रुपया दिया था तो शुक्रिया अदा किया था बेचारा। वो तो शुक्रिया सबको अदा करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उससे ज्यादा आप नहीं मानते हैं उनको नेता के तौर पर? नहीं, नहीं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।